हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आकाश शर्मा ने आगामी नगर निगम के चुनावों को पार्टी चिन्ह पर करवाने की मांग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से की है। उन्होंने कहा, जिस तरह पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस समर्थित नवनिर्वाचित सदस्यों को भाजपा कार्यकर्ताओं ने बल व धन का प्रयोग कर भाजपा में शामिल किया है, वह सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि आगामी नगर निगम के चुनाव पार्टी चिन्ह पर होने चाहिए, ताकि जनता को सच से रूबरू कराया जाए कि भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं या कांग्रेस के प्रत्याशियों पर जनता ने भरोसा दिलाया है। अभी पिछले दिवस में जो है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए, नगर परिषद के चुनाव हुए, बीडीसी के चुनाव हुए, जिला परिषद के चुनाव हुए, उसमें यह देखा गया कि जो लोग पार्टी से समर्थित प्रत्याशी थे वो पहले किसी पार्टी के थे और फिर जो है इन्फ्लुएंस करके, खरीद फरोख्त करके उन प्रत्याशियों को खरीदा गया और जो है जगह जगह ये स्थितियाँ पेश आई, जिला मंडी में भी, पूरे हिमाचल प्रदेश में। तो हमारा यह कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह मांग भी है और आग्रह भी है हिमाचल प्रदेश सरकार से कि आने वाले नगर निगम के चुनाव जो होने वाले हैं मार्च और अप्रैल में, उसमें पूरे प्रदेश में नगर निगम के चुनाव जो हैं वो पार्टी चिन्ह पे कराए जाएं, ताकि पार्टी को भी अपनी लोकप्रियता का पता लगे। 3 वर्ष का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है हिमाचल प्रदेश में, कि वो उनके कितने लोग जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी का भी पता लगेगा कि उनके लोग कितने जीतेंगे और ये जो खरीद फरोख्त हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, ये पूरी तरह से बंद हो जाएगी और वही लोग जो हैं आगे आएंगे जो पार्टी के सिंबल पे चुनाव जीत के आएंगे। और जो उहापोह की स्थिति बनी हुई है, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहाँ भाग रहा है और लोकतंत्र का जो है भद्दा मजाक बनाया जा रहा है, वो सब स्थितियाँ खत्म हो जाएंगी। अतः हमारा ये निवेदन रहेगा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में नगर निगम के चुनाव जो है वो पार्टी चिन्ह पर करवाए जाए। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए मंडी से धर्मचंद वर्मा।